हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद आईएएस में। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो उत्तर प्रदेश के सभी कॉलेज और सभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप शैक्षिक सत्र 2020-21 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से आपका जो आवेदन शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। कौन कौन से स्टूडेंट्स किस डेट से किस डेट तक आवेदन कर पाएंगे, विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते होंगे, ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया जा चुका है और जो प्रेषक हैं वो हैं राजेंद्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, सेवा में निदेशक समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ और निदेशक जनजातीय विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ। वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए यहाँ पर ये समय सारणी जारी कर दी है। और जब आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि स्टूडेंट्स कब से कब तक आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहले चलिए जान लेते हैं हम यहाँ पर कि कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए कब कब आवेदन करने की डेट रखी गई है। इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति समूह 1, 2, 3 व 4 यानी कि ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए यहाँ पर बताया गया है। इसका मतलब है 12th क्लास से ऊपर जो भी कोर्सेज हैं उन सभी के लिए, और इसके साथ साथ 11th और 12th के लिए भी यही समय सारणी यहाँ पर जारी की गई है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो देखने के लिए मिला है छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना। जी हाँ दोस्तों, आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे 12th क्लास से ऊपर के स्टूडेंट्स के लिए और 11th और 12th क्लास इन सभी स्टूडेंट्स के लिए। और आपके जो आवेदन है वो 5 नवंबर तक चलते रहेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 अगस्त से 25 अगस्त तक आवेदन करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो छात्रवृत्ति है वो 2 अक्टूबर तक को जारी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप इस चीज़ को यहाँ पर समझिए। इसके साथ ही आप यहाँ समझ गए होंगे कि आपके जो ऑनलाइन आवेदन है स्कॉलरशिप के वो 1 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहे हैं और आप अपना जो फॉर्म है उसे जल्द से जल्द आपको फिल करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कमेंट्स करेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट है प्रीवियस क्लास का वो नहीं आ पाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से छात्र हित को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से एक अतिरिक्त ऑप्शन आपको यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में मिलने वाला। उस ऑप्शन का नाम यहाँ पर हो सकता है रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर्ड, यानी कि अभी आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद बिना रिजल्ट के भी आप अपनी यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये जो ऑफिशियल शेड्यूल देख रहे हैं इसे यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया। आप वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आसानी से इसे रीड कर सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो हार्ड कॉपी है छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। आवेदन पत्र भरने के 7 दिन के अंदर विलंबतम 1 सितंबर 2020 तक। उसके बाद यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें बताई गई। नीचे भी यहाँ पर सेकेंड एग्जाम शेड्यूल जारी किया गया है जो कि यहाँ पर आपके 1 अगस्त से लेकर आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 5 नवंबर तक चलने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते होंगे यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो हार्ड कॉपी होगी उसे छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जो जमा करना होगा उसे आप 12 नवंबर 2020 तक जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही जब आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला है छात्र छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना, सत्यापित करना, वापस एवं अग्रसारित करना। यानी कि कॉलेज से आपका जो फॉर्म फॉरवर्ड करने की डेट रखी गई है वो 2 अगस्त से 19 नवंबर तक रखी गई है। 19 नवंबर तक कॉलेज वाले आपका जो फॉर्म है वो फॉरवर्ड कर देंगे। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पर बताया गया है जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संबंधित विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करना, ये 30 नवंबर तक होगा ये सारा कार्य। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते होंगे PFMS सॉफ्टवेयर से सत्यांतोपरांत डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं NIC की राज्य इकाई में निर्धारण विभिन्न बिंदुओं पर परीक्षण किया जाना, ये प्रक्रिया यहाँ पर 20 नवंबर 2020 से 10 दिसंबर 2020 तक चलेगी। इसके साथ ही आगे हम यहाँ पर यह भी बात करने वाले हैं कि आपकी जो छात्रवृत्ति है वो आपको कब प्रोवाइड की जाएगी, तो उसके बारे में भी यहाँ पर आप देख सकते होंगे। जनपद स्तरीय
छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के संबंध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा को लॉक किया जाना। 11 दिसंबर से 20 जनवरी तक जो भी फाइनल स्टूडेंट्स होंगे जिनका डाटा सही होगा उनको लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते होंगे जो सस्पेक्टेड डेटा है, ठीक है, उसे 11 दिसंबर 2020 से 21 दिसंबर 2020 तक कॉलेजेस और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के आवेदन फॉर्म में शो किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला है ऑनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्न को सहित शिक्षण संस्था में जमा किए जाने, यानी कि आपके आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो गई तो उसे आप ठीक करने के बाद यहाँ पर देख सकते होंगे आवेदन पत्र भरने के 3 दिन के अंदर विलंबतम 24 दिसंबर 2020 तक अपना फॉर्म ठीक करने के बाद अपने कॉलेजेस में सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सारी प्रक्रिया बताई गई, आप आसानी से पढ़ लीजिए। नीचे हम यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो छात्रवृत्ति है वो आपको कब तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई पेमेंट के तहत पीएफएमएस से छात्र छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित किया जाना। 25 जनवरी 2021 से आपकी जो स्कॉलरशिप होगी वो आना स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट से आप देख सकते होंगे इसके साथ ही जो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने फॉर्म को रिन्यूअल करेंगे उन स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया है 1 अक्टूबर से आना स्टार्ट हो जाएगी। जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण के सही छात्रों को कोषागार के ई पेमेंट के तहत यहाँ पर साफ साफ बताया गया है नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल के बारे में बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स अपने फॉर्म को रिन्यूअल करेंगे उन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप 1 अक्टूबर 2020 से आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आप अपने जो फॉर्म हैं उन्हें 1 अगस्त से ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित और भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।